हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्त। आज मैं रिएक्टिव जीएस में पेजिनेशन सीखेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर मेरे पास नंबर्स लिखे हुए हैं। ये बेसिकली उतने नंबर्स है जितने मेरे पास पेज है मेरे पूरे फोल्डर में या मेरी वेबसाइट में। जितने पेज मैंने यूज किए, मैं चाहती हूँ उसको मैंने पेजिनेशन पे ऐड करना है। जब यूजर यहाँ पर इस पेज पे आएगा, वो बन पे क्लिक करेगा ना, पहला पेज ओपन हो जाएगा, दूसरे पे क्लिक करेगा मेरे दूसरे पेज का कंटेंट। तो मैंने जस्ट यहाँ पर हेलो और वेलकम लिखा हुआ है, जहाँ पर आपका पूरा कंटेंट आएगा जो आपने पेज पे क्रिएट किया होगा। सेम गूगल की तरह, गूगल पे जब भी आप सर्च करते हैं, आप टॉप से लेके बॉटम तक जब स्क्रॉल करेंगे ना, वहां पर आपको पेजेस नजर आने हैं। तो उन्होंने लिखा होता है 1 2 3, पता नहीं कितने पेजेस होते हैं, तो वो सारे के सारे पेजेस होते हैं। उसको आप पेजिनेशन में ऐड करते हैं, आप किसी भी नंबर पे क्लिक करेंगे ना, उसी पेज पे मूव हो जाते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट बेसिकली यही है। मैं पहले पे क्लिक करूंगी, पहले पेज पे चली जाऊंगी, दूसरे पे क्लिक करूंगी, दूसरे पेज पे। तो मैंने 2 पेज क्रिएट कर रखे हैं। जरूरी नहीं आपने ऐसे बॉटम पे लगाना है, आप इसको लेफ्ट साइड में भी लगा सकते हैं, जिधर मर्जी ऐड कर लो। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको यूज किया जाता है बहुत ही वेबसाइट्स में। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगी, इम्पोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट को, फ्रॉम रिएक्ट एक फंक्शन बना लेते हैं, जहां पर ऐप नाम का एक्सपोर्ट कर दो डिफॉल्ट ऐप। अब चलिए, जहां पर 2 पेज मैंने बनाए हैं दिखा देती हूँ। एक मेरे पास ये पेज है, सिर्फ इसमें मैंने वेलकम लिखा हुआ है। एक पेज ये है, हेलो लिखा हुआ है। इन 2 पेजेस को मैंने पेजिनेशन में ऐड करना है। तो मेरे पास ये सेम सोर्स फोल्डर में पेजेस है सारे, जैसे आपके कंपोनेंट या पेजेस होते हैं ना, बस ऐसे क्रिएट कर लेने आपने। जहां पर हम आएंगे, कॉन्स्ट एक नाम इसको दे देते हैं, वेरिएबल नाम देना है। तो मैं जहां पर क्रिएट करूंगी करंट पेज नाम, इसको हम ये वाला दे देते हैं। यहां पे लिखो, कॉपी कर लो, यहां पे पेस्ट कर दो करंट पेज। यूजर स्टेट लगा लो, इसके बीच वैल्यू आएगी 1। तो ये 1 आपने जरूर लिखना है साथ में, स्टार्टिंग में वैल्यू इसकी 1 रहेगी। कॉन्स्ट यहां पर एक नाम दो इसको, कंपोनेंट पर पेज इज इक्वल टू 1। तो इसको आप नेक्स्ट लाइन में कर दो। ये हम बाद में यूज देखेंगे, इसको हमने क्यों यूज किया है, कंपोनेंट पर पेज 1। तो ये मैंने एक बनाया हुआ है वेरिएबल, तो हम इसको लगाएंगे ऐसे, इसको हम ऐसे क्रिएट करेंगे। कॉन्स्ट एक और बनाओ, टोटल पेजेस नाम का वेरिएबल। कितने आपके पास पेज है, अब जहां पर आपने बताना है इसको, मेरे पास 2 पेज है तो मैं 2 लिखूंगी। अगर आपके पास 10 पेज है तो आपने यहाँ पर 10 लिखना है। तो मेरे पास 2 पेज है बस। कॉन्स्ट एक हैंडल बनाना है, हैंडल क्लिक नाम का। इसके बीच आपने एक ऑब्जेक्ट पास कर देना है, पेज नंबर, कुछ भी नाम दे दो। इसका बना लो एक एरो फंक्शन। ये वाला जो हैंडल बनाया हुआ है ना, इसको कॉपी करके आपने आ जाना है रिटर्न में, HTML के कोड में। रिटर्न हमें सिर्फ बटन चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक बटन लगाऊंगी। सिर्फ एक बटन क्रिएट करना है, जितने मर्जी आपके पेजेस हो, जब बटन अपने आप क्रिएट कर देगा। आपने एक बटन क्रिएट करके ऑन क्लिक यहाँ पर एक हैंडल बना देना है। ये अभी जो हमने क्रिएट किया है ना, ये वाला, इसको हमें यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। ऐसे बनाना है एरो फंक्शन के साथ। हैंडल का नाम लिख दो, क्या नाम था, हैंडल क्लिक। और जहां पर 1 नहीं लिखना, जहां पे आपने लिखना है पेज, ये वाला पेज हम कहाँ से लेके आएंगे इसको हम बाद में देखेंगे। मैं फिलहाल इसको ब्लैंक छोड़ रही हूँ, हमने इसमें मैप यूज करना है तो वो हम बाद में देखेंगे। पहले यहाँ पे आ जाओ, सेट कर दो करंट पेज। क्या सेट करेंगे इसके अंदर, पेज नंबर, जो हमने पेज नंबर वाला वेरिएबल बनाया हुआ है करंट पेज में, ये वाला पेज नंबर वाला हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये पेज नंबर कहाँ से आने वो हम मैप के साथ करेंगे, उसको हम बाद में देखते हैं। कॉन्स्ट एक और बना लो, रेंडर करना है कंपोनेंट, नाम दे दो इसको कोई भी। कोड आपके लिए सेम ही रहेगा, जितने मर्जी पेजेस हो आपके। इफ जो करंट पेज है, ट्रिपल इज इक्वल टू 1 है, रेंडर देखो कैसे करेगा एक पेज से दूसरे पेज तक। अगर तो ट्रिपल इज इक्वल टू 1 है, तो मैं इसको कर लेती हूँ एक्सेप्ट। देन मैं क्या करूंगी, रिटर्न कर दे मुझे, क्या रिटर्न करना है, अब जहां भी आपने लिखना है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ रिटर्न वाला लगाऊंगी कोड। अगर तो करंट पेज की वैल्यू इज इक्वल टू 1 है, रिटर्न कर दे, इधर आपने अपना कंपोनेंट लिखना है। तो मेरे पास मेरे कंपोनेंट का नाम क्या है, मतलब पेज नाम। तो मेरे पास पेज का नाम है हेलो, ये देखो हेलो डॉट जेएस के साथ मैंने इसको सेव किया है। बस आपने सारे पेजेस आपने ऐड कर देने,
अगर मेरे पास करंट पेज इज इक्वल टू 1 है तो हेलो वाले पेज पे चला जाए। एल्स लगाओ, एल्स आपने लगानी है, ये वाला इधर खत्म हो गया, इधर आ जाओ, एल्स में जाके दूसरी कंडीशन लगाओ, ये वाला जो हेलो लिखा हो ना इसको इसके साथ ही लिखो, और ये वाली हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे लिख सकते हैं रिटर्न, तो हमारा कोर्स थोड़ा इजी हो जाएगा। जहां पर मेरे पास हेलो में चले जाए, अगर पहले वाला पेज है, एल्स में जाके एल्स इफ लगाएंगे, कितने पेजेस है आपने उसके अकॉर्डिंग आपकी इफ कंडीशन लगेगी। करंट पेज ट्रिपल इज इक्वल टू 2 है, तब क्या होगा, आप इसको दूसरे पेज का नाम दे दो। तो ये वाला जो मेरे पास ब्रैकेट आनी है, राउंड ब्रैकेट, इफ के बीच हमारे पास राउंड ब्रैकेट आती है, यहाँ पे मेरे पास आनी है ये कर्ली ब्रैकेट, इसके बीच रिटर्न लगा दो, तो मेरे दूसरे पेज पे चला जाए। दूसरे पेज का नाम है मेरे, यहाँ पर लिखा था मैंने वेलकम, तो यहाँ पर ये स्पेलिंग है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गए थे। ये वाली है मेरे पास दूसरा पेज, वेलकम इसका नाम है, welcome.js। तो यहाँ पर देखो दूसरा पेज, अगर मेरे पास पहला नंबर है तो जो हेलो पेज पे चला जाए, दूसरा नंबर है तो दूसरे पेज पे चला जाए। ऐसे ही आपने एल्स इफ लगाते जाना है जितने भी पेजेस हैं। नेक्स्ट फिर से एल्स इफ लगेगी, अगर तीन पेज है ठीक है, तो आपने तीसरे पेज का नाम लिख देना, बस ये हो गया। अब यहाँ पर देखो रेंडर अभी नहीं होगा, अभी इसने कहीं भी नहीं जाना, मेरे पास वो बटन लगा है ना उसके ऊपर भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा। चलिए चलते हैं अब ऊपर, जहाँ पे सबसे पहले चलो इसको इम्पोर्ट करेंगे। इम्पोर्ट करना है सबसे पहले हेलो को, फ्रॉम अपने पेज का नाम लिखो, मेरे पेज का नाम है हेलो, एक मैंने हेलो इम्पोर्ट करना है, एक इम्पोर्ट करना है मैंने दूसरे पेज का नाम, ये वाला है नाम। सारे पेजेस आप अपने इम्पोर्ट कर लो, तो यहाँ पर भी जो एरर थी वो नहीं आएगी। यहाँ पे देखो इस पे क्लिक करेंगे, अब मैं मूव हो जाऊंगी ठीक है, कैसे ऐसे नहीं डायरेक्ट मूव होना, यहाँ पे आ जाओ। हमने रेंडर कंपोनेंट बनाया है ना इसको यूज करेंगे, सारा काम इसी ने करना है। रेंडर कंपोनेंट को हम, ये वाला जो बटन लगाया हुआ ना इधर देखो कोड कैसे लगाना है, जो आपने बटन लगाया हुआ है इसके ऊपर एक डिव लगा लो, अपनी मर्जी है। ये वाला एक डिव लगा दिया, इसके बीच में इसको पेस्ट कर दूंगी, और ये वाला जो डिव है इसको उठा के बटन के बाद हम बंद कर देंगे ऐसे ठीक है। ये जो रेंडर कंपोनेंट लिखा हुआ है ना इसको मैं जहाँ पे कॉल कर दूंगी ऐसे, कर्ली ब्रैकेट के बीच लगाना है क्योंकि ये उसका कोड है रिएक्ट जेएस का, ये वाला एक फंक्शन है, तो मैंने इसको यहाँ पे कॉल कर दिया, रेंडर हो जाएगा। ये रेंडर तो हो चुका है, लेकिन ये वाला जो बटन है इसके बीच हम एरे लगाएंगे, तो ये जरूरी है क्योंकि हमने मल्टीपल पेजेस ऐड करने हैं, एरे के बिना नहीं होगा। तो मैं जहाँ पे लगाऊंगी फ्रॉम, इधर लिखो लेंथ, लेंथ चेक करेगा किसकी, टोटल पेजेस कितने हैं, चेक करेगा कितने पेजेस है उतनी बार वो मूव करेगा। कॉमा लगाओ, तो यहाँ पर लिखेंगे अंडरस्कोर, एक यहाँ पर एक वेरिएबल बना लो इंडेक्स नाम का, साथ में हम लगाएंगे मैप, तो यहाँ पर मेरे पास आएगा इंडेक्स प्लस 1 करना जरूरी है, क्योंकि इंडेक्स क्या होगा, मैं पहले पेज पे हूँ उसके बाद दूसरा पेज, एक क्रिएट हो गया, दो क्रिएट हो गए, तीन क्रिएट हो गए, वहां पर बटन एक है ना, तो ये प्लस 1 करेगा बटन क्रिएट करने के लिए। डॉट मैप जहाँ पे लगा लो पेज, अब ये वाला पेज मैंने यूज किया था वेरिएबल ऊपर, सेम वहां पर जो क्रिएट किया था यहाँ पर, बेसिकली ये वाला पेज है मेन हमारा वेरिएबल जो मैंने इधर यूज किया था, पेज वाला इधर हमने लगाया था, पेज की तरफ हमने मूव करना है। फिलहाल पहले मैं इसको लगा देती हूँ पेज, और सेम ऐसे ही लगाना है। इधर मेरे पास ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड एंड, इसको हम यहाँ से तीन ब्रैकेट को उठाएंगे बटन के बाद इसको लगा दो। अब जहां पे बटन पे आओ, ऑन क्लिक हमने बना दिया है, एक की ऐड करो, अगर मैप लगाया हुआ है तो हम की ऐड करेंगे, की के बीच ये वाला पेज आएगा, यहाँ पर अभी मैं यूज करूंगी, ऊपर हमने यूज नहीं किया था, ये वाला जो पेज है मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ, ये मैप का एक वेरिएबल है। ऑन क्लिक भी हो गया हमारा, जहां पे आ जाओ ये वाला जो हैंडल वाला है ना इसको आप बोलो कि तुमने पेज की तरफ जाना है, तो ये पेज की तरफ मूव हो जाएगा। बटन के ऊपर क्या लिखना है वो भी इसको बताओ, ये वाला जो मैंने लिखा हुआ है ना इधर, आप इसको क्लास नेम ऐड करो, इसको लिखो जो करंट पेज मेरे पास वेरिएबल है, करंट पेज
इसको लगाएंगे, सिंगल कोट नहीं लगाएंगे, ये क्लास नेम ऐसे यूज करेंगे। बेसिकली हम क्लास नेम सिंगल कोट में यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसको लगाऊंगी ट्रिपल इज इक्वल टू पेज। टर्नरी ऑपरेटर के साथ मैं इसको लिख दूंगी एक्टिव, तो जहां पर जो जिस पेज पे मैं हूँ वो एक्टिव हो जाए, नहीं तो ये ब्लैंक रहे, और जहां पे ये हो जाएगी ब्रैकेट बंद। तो ये बेसिकली हमारा पूरा कोड है इसको लगाने का। और जहां पे प्रिंट कर दो अपना पेज, तो इस पेज के बीच मेरे वो दो पेज आ जाने हैं जिसको हमने शो कराना है। पहले इसको रिफ्रेश कर देते हैं, पहले पेज पे जाना है हेलो आ गया, दूसरे पेज पे जाना है वेलकम। तो ये देखो पहले पेज पे हेलो, दूसरे पेज पे वेलकम लिखा हुआ। तो इसको मैं हटा के कुछ और लिख देती हूँ। पहले पेज पे हम यहाँ पर कुछ ऐसे लिख देते हैं, रिफ्रेश, पहले पेज पे ये लिखा आ गया, दूसरे पेज पे जाना है। तो आप जो मर्जी यहाँ पे क्रिएट करते जाओ, पूरा कंटेंट आपकी डिजाइन नहीं आएगी जहां पर इसको आप रेंडर ऐसे करेंगे। तो app.js में जाके ये आपने काम करना है। तो इसके आपने जो अपनी तरफ से कोड पूरा ऐड करना है वो सेम रहेगा, बस आपने अपने पेजेस यहाँ पर अपने नाम लिख देने हैं, बाकी कोड सारा सेम रहेगा, ठीक है? कहीं भी आपने लगाना हो कोड सेम रहेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।